और दूसरा जवाब दे रहा हूँ जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, ऐ हबीब ऐ पैगंबर, ये तो तेरे ऐजू पैरू में आजू बाजू में बैठते हैं, तेरे पड़ोस में बैठते हैं, ये तो सारे 52.5 गज के हैं, हमें क्या पता है इनमें पूरी किताब का आलम कौन है और आधी किताब का आलम कौन है, क्या पूरी किताब का आलम कौन है और आधी किताब का आलम कौन है। मैं पर फरमाता हूँ नादानों, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है जब वो मेरी गवाही देगा तो वो इन चंद लोगों में नहीं करोड़ों में भी पहचाना, करोड़ों में भी पहचाना जाएगा। और जाहिर है तुम मुस्तकबिल में तो झांक नहीं सकते, माजी में जरा झांकी और देखिए, अल्लाह का एक पैसा पैगंबर गुजरा है जिसकी जमीन पे हुकूमत है, परिंदे जिसके ताबे पर फरमान हैं, जिन उसके सामने सब बसता है, जानवर पेट लगड़ के जमीन पे चलते हैं, वो भी सर उठा उठा कहते हैं अल्लाह का नबी हमारे लायक को खिदमत को, जिन उसके ताबे पर फरमान हैं, जो उसके ताबे पर फरमान है, हवा उसका तख्त उड़ाती है, अल्लाह का एक ऐसा पैगंबर। एक दिन उसने अपने सारी महफिल में ये जरा दिक्कत मिला मुलाजा कीजिए, जिसकी इतनी रियाया हो, परिंदे चरिंद दरिंद सब उसकी रियाया हैं, अपनी सारी रियाया पर नजर दौड़ाने के बाद कहा मुझे क्या हो गया, आज मैं खुद खुद को हाजिर नहीं पाता, आज खुद खुद को हाजिर नहीं पाता, या तो कोई बहुत बड़ी खबर दे जाएगा या उसे आजीबा कर दिया जाएगा। चुनाचे खुद खुद जब आया और उसने आकर जिक्र किया अल्लाह के पैगंबर से, हाँ आपकी इतनी अजीम शान हुकूमत और सल्तनत है, वहाँ इस जमीन के ऊपर एक खातून की हुकूमत है जिसके पास लश्कर भी है, वजीर भी है, उसके पास ताज भी है, उसके पास तख्त भी है, उसके पास रियाया भी है। चुनाचे अल्लाह का पैगंबर फरमाता है ऐ खुद जाओ जाके हमारा ये खत उस पर फेंक जाओ। चुनाचे उस खत ने उसके पास लिखा कि देखिए हम अपने इस दौर के किसी और की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो हमारे पास हमारा दीन इख्तियार करते हुए आ जाएंगे या फिर ये बर्दाश्त न हो पाएगा। अब जब ये खत मक्का के पास पहुंचा, वाकई अर्ज करना मकसूद नहीं, बताओ इशारा वक्त दे जाए, मकसूद की तरफ एक बढ़ना है। मलका ने अपनी रियायत को बुलाया है, सबसे पहले आर्मी को तलब किया, तो आर्मी का तो ये मिजाज है, उन्होंने कहा बीबी आप खतरे को क्यों महसूस करती हैं, जहाँ खतरे हमें बताइए, हम खतरे के उठने से पहले उसको नाबूद कर देंगे। फिर दानिशमंदों से पूछा, उन्होंने भी इसी किस्म का मशवरा दिया, और बहुत बड़ी वफादार रियाया है, वफादार आर्मी है। मलका सियानी थी, आखिर अल्लाह ऐसे भी किसी को ये अहदे दे देता। उसने फौरन कहा आप मुझे ये क्यों नहीं मशवरा देते, मैं उस बादशाह की दावत पे गौर करूँ, अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो मुझे किसी हकीम ने बताया है जो कबूल न करूँ, मैं उसी के दिन क्यों ना कबूल कर लूं, मगर मैं खुद जाके पता करूंगे। चुनाचे उन्होंने खत भेजा, हम खुद आएंगे। अजीजाने गिरामी आपका ये खत पैगंबर के पास पहुंचा, हजरत सुलेमान पैगंबर के पास जब ये खत पहुंचा, उन्होंने एक इरशाद फरमाया अपना सारा मजमा लगा के, उसके देखिए मेरे भी अखलाक का उसूल है, दर्स है, और वो ये है अकरेमु करीमल कौम, किसी भी कौम के सरदार की इज्जत होनी चाहिए, वो मेरे पास एक कौम की लीडर है, सरदार है, उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, तुम्हें कोई ऐसा है जो उसके आने से पहले उसके बैठने के लिए उसी का तख्त हाजिर कर दे, तवज्जो रहे उसके आने से पहले उसी का तख्त हाजिर कर दे। अजीजाने गिरामी बड़ी तवज्जो है, आप कुरान मजीद में पढ़ें, आपको ये मिलेगा काल आखिरी को मेरा जिन जिनों में से बहुत बड़े कवि जिन ने ये कहा मैं वो तख्त हाजिर करता हूँ, मगर आपको कितना वक्त चाहिए होगा, कितने जमाने में लेके आएंगे, हाँ खबर इसलिए कि आपकी महफिल बर्खास्त हो, अब ये मुझे मालूम नहीं कि महफिल का वक्त क्या था, वो 9 बजे से शुरू होकर 3 बजे खत्म होती थी या 10 बजे शुरू होकर 5 बजे, मगर ये तय है नबी को भी मालूम है इख्तिताम महफिल का वक्त, और उस कर्ज करने वाले को भी मालूम है कहाँ कहा मैं वो देख के आता हूँ, खबर इसके कि आपकी महफिल बर्खास्त हो। अल्लाह के नबी ने न यस कहा न वो कहा, उससे रुख मोड़ लिया, मतलब ये है कि वो मुतमैन नहीं है। कुरान इरशाद फरमाता है दाईं जानिब से नौजवान था, नाम इस्लास बिन बरकिया था, वो कहता है अल्लाह के नबी अना आती कभी, मैं वही तख्त हाजिर कर देता हूँ, मगर आपको कितना वक्त चाहिए होगा, कब वक्त नहीं कबला, कबल इसके कि आप अपनी आँख झपके, जल्दी से पलट के आएगा, अगर मोजदे की भी तो कोई किस्म है जल्दी जाएगा फौरन आएगा, और यह जमीनी के दोनों सिरे जोड़ दिए जाएंगे, मगर इसमें भी तो वक्त लगता है, आँख झपकना कोई मुद्दत नहीं, मगर कुरान गवाह है इस बात का, नबी ने आँख झपकी तख्त मौजूद,
कायनात को अगर फैलाना चाहे तो कायनात और आलमीन तक
तक उसकी सरहदें हो जाए। और अगर समेटना चाहे तो नुकते में समेट के रख दे, अगर सिमट जाएगी तो समझेगा कौन, सीने पे हाथ रखेगा। इतना बात घबराइए नहीं, अनंत नुकता तो ताप नहीं मिलेगा। नीचे दो नुक्ते लिखे हो और अगर तीन नुक्ते लिख दिए जाए पेड़ बन जाता है, इसमें कोई शुबा नहीं, पेड़ बन जाता है। मगर आप सारा कुरान पढ़े आपको कुरान में पेड़ ना मिलेगा। Thank you.
दूसरी किताब का इल्म है, किताब का नाम है अलवाद, दूसरी उसकी जेब है तहरान में प्रिंट हुई और उसके सेकंड पेज ही के ऊपर वो मुसलसल है, उसके दूसरे सफ़े के ऊपर लिखा है उर्दा इल्म अरबी ने अभी भारत की तीन दिन थी, बैतुल्ला का माहौल था, पैगंबर ने अपने हाथों को उठा के कहा या अली इकरा, अली कुछ पढ़ के सुनाइए, नन्हे हमको भी टूबा चाहिए, इसका साहब अभी हम कहो कि या रसूल अल्लाह मौला मेरे माँ और बाप खुदा हो गए हैं, हुक्म कीजिए तौरात पढ़ो फिर उसको इंजील पढ़ो फिर कुरान पढ़ो, याद ही मेरे बाद कोई नबी ना आएगा, कुरान के बाद कोई किताब ना आएगी, मैं मुद्दई नबूवत हूँ, तुम मेरे गवाह हो, और गवाह वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो, गवाह तो इस बात का भी मोहताज नहीं कि नाजिल हो तो पढ़े, गवाह तो इस बात का भी मोहताज नहीं कि किताब आए और फिर वो पढ़े, गवाह के पास तो पूरी किताब का इल्म है, चुनाचे मेरे और आपके आका मौला फरमाते हैं अली तुझे तौरात भी पढ़ना होगी, ज़बूर भी पढ़ना होगी, इंजील भी पढ़ना पड़ेगी, कुरान भी पढ़ना होगा, पढ़िए तहरान के सवा नंबर दो पे लिखा है जब मेरे और आपके आका मौला अली इब्न अबी तालिब ने पहली तीनों आसमानी किताबें पढ़ी, पैगंबर फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मुहम्मद की जान है, अगर मूसा ईसा और दाऊद आज यहाँ मौजूद होते ये इकरार करके उठते किताबें उन्हीं पे उतरी हैं मगर अली उनसे बेहतर जानता है, किताबें उन पे उतरी हैं मगर अली उनसे बेहतर जानता है, और जब अली की जुबान के छुड़ा के ये लफ्ज़ जारी हुए हल्लता अलल इंसान ही नो मिरता लम यकुन शैअ मज़कूरा, आवाज पैगंबर आई उसको तो उसको दिया अली अली खामोश हो जा, मुझे यकीन हो गया नबी मोहम्मद जैसा उसका गवाह अली जैसे ही कैसे पढ़ गया मेरा अजीज, लोग कुरान को काफी कहते हैं मगर शायद गौर नहीं करते, बच्चे बोलते रहते हैं, बच्चे बोलते रहते हैं, जरा कुरान में लोगों को काम पढ़िए, जब गाँव आ गई मरियम के पास बीबी निकाह तेरा हुआ नहीं शादी तेरी की नहीं ये बच्चा कैसे हो गया, कुरान समझता है बीबी ने बच्चे की तरफ इशारा किया, उन लोगों ने कहा बीबी तो चोरी और उसमें ये सीना दोरी कैफ हम कर मुमान खान अपने पास सबिया, क्या पूछे उससे जो अभी बूढ़े में है जो बच्चा है उससे क्या पूछे, वो बुढ़े सफेद बीच उन्होंने कहा मरियम के हाँ अभी अभी बच्चा पैदा हुआ जैसकी कारण ऐसे परेशान न कीजिए, चलो बच्चे के पास चलते हैं वो कुछ बताएगा नहीं फिर बुढ़े तमाम हो जाएगी फिर मरियम के पास आएंगे, अब कौन गई बच्चे के पास चारों तरफ घेरा बनाया उस बूढ़े उस झूले उस मैद के इर्द गिर्द जमा हुए बुढ़े छुपे और सोच रहे हैं सवाल करें तो करें कैसे, आगाज गुफ्तगू करें तो करें कैसे, बात शुरू करें तो करें कैसे, खिताब करें तो करें कैसे, बच्चा उनके सवाल का इंतजार खोल कर पास है बाब है जिंदा खोलता चला आया
जुलैखा पीछे पीछे चली आई। जब आखिरी दरवाजे से बाहर निकले, हजरत यूसुफ अजीजे में सब सामने मौजूद था, जुलैखा ने बैठ के शिकायत कर दी, हे बादशाह, जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, क्या वो उस लायक है या नहीं कि उसे जेल के अंदर डाल दिया जाए। हजरत यूसुफ घबरा गए, पेशानी पे पसीना आ गया, हाय हाय, बेगुनाह भी नहीं और केस भी मेरे खिलाफ, बेगुनाह भी नहीं और मुकदमा भी मेरे खिलाफ, बेगुनाह भी नहीं और पर्चा भी मेरे ही ऊपर, बस घबराहट देख के बर्दाश्त ना हुआ, पढ़िए कुरान मजीद, शाहदा शाहिद ने ना रहा, एक पंगूरे में पड़ा हुआ बच्चा था जो यूसुफ का नहीं सुलेखा का रिश्तेदार है, क्या गवाही दी, इनका नकली सो खुद ने कोले, अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा है और सच्ची है यूसुफ झूठा है, बहन का नकली सो खुद ने कोले, अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है यूसुफ सच्चा है औरत झूठी है, और मुल्ला मुझे बतला, अगर मरियम की गवाही मतलूब हो ईसा बोल ले, यूसुफ की गवाही मतलूब हो वे पंगूरे में पड़ा हुआ बच्चा बोल ले, पैगंबर की गवाही मतलूब हो अली क्यों ना बोले। कोई इनकार नहीं कर सकता, एक इल्मे अली दूसरा शुजात है, एक इल्मे अली दूसरा शुजात है, वजह ये है, वजह इसकी ये है कि वो अरब जिन यहाँ रात अगर देश में मेहमान आए और उसके लिए खाने का कुछ इंतजाम करें, सुबह चौक पे खड़े हो कहते हैं हम वो हैं जो मेहमानों की ज़ियारत इस तरह करेंगे, वो मैंने कहता था हम वो हैं जो मेहमानों की इस तरह ज़ियारत करते, छोटी छोटी बात पे इफ्तिखार करते हैं, फख्र करते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो फख्र करते हैं, कोई तवज्जो है जहां जहां तक आवाज पहुंच गई है, कोई अरब तो होता जो ये कहता अली को तलवार चलाना मैंने सिखाया, कोई अरब तो होता जो कहता अली को इल्म मैंने पढ़ाया, मगर एहतियाज कुल इला अली व इस्तिगना अली अनिल कुल दलील अन्नहु अफजल मिन अल कुल, हर एक को अली के बाप पे जाता देखा, अली को किसी दरवाजे पे जाता नहीं देखा, यही वजह है वो सबसे अफजल है, यही दलील है वो सबसे अफजल है, अजीजाने ग्रामी, और सबूत उसका ये है, तवज्जो, सबूत उसका ये है, अली वो अकेला मेरा मंकू है जिसने मेंबर पे बैठ के कहा सलूनी सलूनी कबला तफरूनी, पूछ लो कबल इसके कि मुझे अपने दरमियान न पाओ। अब ये कि बांटने वाला और वो दावा करने वाला उसका इरादा क्या, वो इल्म देना चाहता है, खुदा गवाह है लबनान का एक ईसाई दानिशवर, उसने जब अली इब्ने अबी तालिब की सीरत को पढ़ा तो चीख के कहता है अभी आप किस जमाने में आए और किन लोगों में आए, जो ना आपके मकाम को समझे ना आपकी कदर को जाने, काश आज आप बता दे सलूनी सलूनी, तो कोई दानिश्वर आपसे सवाल करते, कोई ये ना पूछता मेरे सर के बाल कितने हैं, और कब वक्त अगर मैं बता भी दूं तुझे क्या पता, तो किस तरह प्रूव करेगा कि ये वाकई में जवाब मैंने दिया वो सही भी है या नहीं, तो आप आपकी सलूनी सलूनी। और बाद लोग इस मैं जब तक हमारा खुद का टीवी नहीं था तो मुझे एक बार कहा ये डीएम वालों ने गौरी साहब अल्लाह ने कुछ रखे कि मौलाना आप आए यहाँ आते, मैंने कहा यहाँ बड़े बड़े उलमा का काम करो, वहाँ छोटा छोटा तालिब इल्म हूँ, बड़े बड़े उलमा को आप वहाँ बुलाइए, इसलिए कि ये और पता भी नहीं था कि शायद इस शीशे के आगे जब जाएंगे हवास भी बाकी रहेंगी या पता नहीं क्या होगा, मैंने मालूम की, मैंने कहा आप मालूम करते हैं यहाँ मुफ्तियों की बहन लगी हुई है, एक से बढ़ के एक मुफ्ती मुझसे कहता है हमें मौका दीजिए हमें मौका दीजिए, मैंने कहा वो मुफ्ती है मैं कीजिए खुद का
मासूमीन के सदके से हमें खुद का चैनल दिया, तो उसमें कभी कभी जाता हूँ और वहां भी मैं वो एक खास ड्यूटी उसी में मुझे वो मेरे भाई ले जाते हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे ठीक ये सवाल में। तो बसा औकात होता ये है कि लोग शायद सवाल इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें कुछ मसला दरकार होता है या मालूम करना चाहते हैं, वो हमारा इलम नाफले की तवज्जो है ना आप रहा है। बस यही जब अली इब्न अबी तालिब फरमा रहे थे सलूनी सलूनी कमला तफ्तुनी, लोग इस सोच में थे कोई सवाल ऐसा मिल जाए जिसका अली जवाब ना दे सके। एक बड़ा शातिर और चालाक आदमी कहता है मेरे पास सवाल है, अली उसका जवाब नहीं दे सकते, मगर आप कब करेंगे? वो कहता है वक्त के साथ मौकत है, चलिए अब उसके साथ भी साथ हैं। आपको मालूम है ऐसे लोगों के साथ ही साथ होते हैं, अब करेंगे आप, हम देखेंगे अली को जरा परेशान, अली को शर्मिंदा, अली को मुनफैद, अली को बगले चाहते हुए देखेंगे। सुना जब वो इस इंतजार में है मेरे और आपके आँखों और अली इतने अभी तारीफ ने नमाज के लिए वुज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, अजान पढ़ चुके, अकामत कह चुके, तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाए, उसने हाथ कलम कर कहा या अली आपने सलूनी कहा, हाँ हमने सलूनी कहा, और दिल में सोच रहा है सवाल करता हूँ अगर मोहलत मांगेंगे तो दावा गया, अगर जवाब देना शुरू करेंगे तो नमाज गई। काबू ये सब आज अभी आए हैं और हमारे काबू आए हैं मेरे मौला के हाथ यहाँ पे, कहा क्या है मेरा सवाल? कहता है वो कौन जानवर है जो अंडे देते हैं और वो कौन जानवर है जो बच्चे देते हैं? हाथ यहाँ रहे, कहा जिनके कान अंदर है वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं। अल्लाह को छलक रही थी, अंदर दाखिल हुआ, पुराना सा जूता, पुराना और पोशीदा सा लिबास, हाथ में छोटी सी लकड़ी पकड़े में था जैसे भेड़ बकरियों का कोई चरवाहा मस्जिद में दाखिल हुआ है और लोगों के सरों के हाथ रख कहता था लोगों मुझे रास्ता दो मुझे अमीर मोमिनीन तक जाना है, लोगों मुझे रास्ता दो मुझे अमीर मोमिनीन तक जाना है। इमाम के सामने आ खड़ा हो गया और सामने आकर अर्ज करता है आपने कहा सलूनी? इमाम फरमाते हैं हाँ मैंने कहा सलूनी। अच्छा फरमाइए जिब्राइल कहाँ है? जिब्राइल कहाँ है? हुजूर ने फरमाया तू जिब्राइल, तवज्जो है, हुजूर ने फरमाया तू जिब्राइल है। अजीज आने ग्रामी अगर वो चला जाता ठीक है वेलकम थैंक यू वेरी मच मौला आपने मुझे जिब्राइल कहा। आज तक लोग हमारी गर्दन पकड़े हुए होते, एक देहाती दहकान आया था, एक चरवाहा आया था, एक भेड़ बकरियां चराने वाला आया था, उसने कहा जिब्राइल कौन है? उन्होंने कहा तू ही जिब्राइल है, वो वापस चला गया। अजीज आने ग्रामी प्रूफ भी वही चाहिए था, जब कहा तू ही जिब्राइल है अब जिब्राइल के पर निकलना शुरू हुए, अब जब उनसे हवा पैदा हुई और जिब्राइल ने परवाज किया अब हर एक ने देखा कि आने वाला तो चरवाहा था मगर जाने वाला जिब्राइल। ये जो कुल्ले किताब के आलम हैं मैं दामन वक्त में गुंजाइश बहुत थोड़ी है और मुझे आपकी खिदमत में दो एक चीज़ें अर्ज करना है, यानी एक ऐसा वक्त ये है तकसीम ये आप हैरान होंगे जब अली इब्न अबी तालिब 19वीं रमजान को जख्मी हुए और 20वीं रमजान को हुज़ूर फरमा रहे थे कि मेरे अहले खाना मेरे खानवादा है मेरे बाल बच्चों कल तक मैं तुम्हारा हाकिम था आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ कल मैं तुमसे रुखसत हो जाऊँगा। जब वो कल आई इन शाह मसायल की अर्ज करूँगा मगर फिलहाल एक चीज़ अर्ज करना है उसकी तरफ आपको तवज्जो दे जा रहा हूँ। कहा कल मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा, चुनाचे जब 21वीं रमजान आई और उसका एक वक्त आया लोग आ रहे थे मौला के पास आ रहे थे जाने वाले, एक वक्त आया मेरे इमाम फरमाते हैं बेटा हसन सबको वापस भेज दो, अब जितना वक्त मेरे पास बचा है ये मैं अपने अहले बैत के साथ अहले खाना के साथ अपनी बेटियों के साथ अपने बच्चों के साथ ये वक्त मैं गुजारना चाहता हूँ, ये मैं महसूस कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए वक्त जो आ रहे हैं जिनसे आप मदद कीजिए और इन्हें वापस भेज दीजिए। चुनाचे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सबको तसल्ली दी कि और चंद लम्हों के मेहमान हैं और वो हमारे साथ में बात गुफ्तगू करना चाहते हैं, बहुत मेहरबानी आप अपने घरों को तशरीफ ले जाइए। लोग रोते हुए पलट गए, इमाम ने दरवाज़ा बंद किया कुंडी लगा दी अंदर आए, एक शख्स के रोने की आवाज़ भी आ रही है
माँ फरमाते हैं बेटा तुमने सबको रुख सब नहीं किया, पापा मैंने सबको रुख सब कर दिया, कौन है जो अभी तक रो रहा था। कहा मैं अभी पता करता हूँ। इमाम हसन गए दरवाजा खोल के देखा, कहा बाबा ये शाह साहब मैं सुल्तान हैं जो अभी रो रहे हैं, मेरे इमाम ने जो वक्त दिया था, जो वक्त यूं समझिए लोगों से तलब किया था, उसी वक्त में कहते हैं बुलाइए शाह साहब को। शाह साहब आ गए, शाह साहब आए और चीख चीख के रोने लगे। मेरे इमाम फरमाते हैं शाह साहब रोते क्यों हो? हाँ बोला कि कुछ पूछने की बात है, जिसका आदमी जैसे इमाम दुनिया से उठ रहा हो वो रो करे तो क्या करेगा। शाह साहब जब राम अदे मुसल न रहे कौन रहेगा, जो आया है वो जाने के लिए आया है, बस खुद को तैयारी करो। ऐसा सा नहीं रो नहीं हौसला कर, वो सब इस दुनिया से चले ही जाएंगे, यहाँ हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया। तो रहे। और मेरे इमाम फरमाते हैं ऐसा सा वक्त जाया न कर, सरूनी सरूनी कब्रान दस करूंगी, इस वक्त भी पूछ लो कब्र इसके कि मुझे अपने दरमियान ना पाओ। तो रहे आपका ये कौन सा लम्हा है, कौन सा वक्त है? अली फरमाते हैं ऐसा सा ये वक्त भी जाया ना करो, पूछ लो कब्र इसके कि मुझे अपने दरमियान ना पाओ। मेरे सामने बड़े लिखे रात इसलिए फरमा है हजरत साहब सारस करते हैं कि अभी हम तब अपनी अपना अभी गालिब थे, मेरे मौला मेरे माँ और बाप आप पे फिदा हो जाए। मैंने सुना है कि आप पैगंबर अकरम के अलावा बाकी सारे अंबिया से अफजल हैं, मगर आपको इस सिलसिले में कभी कुछ फरमाते हुए नहीं सुना। मैंने अक्सर सुना कि आप सारे नबियों से मास वी मतलब के अफजल हैं, मगर आपके मुंह से इस किस्म की कभी कोई बात नहीं सुनी, आप क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में? मेरे इमाम ने जवाब दिया साहब साहब सनाए खुद बहुत करदम नजीबत बंदे दाना रहा, अपनी तारीफ खुद करना ये किसी के लिए जेब नहीं देती, मगर कुरान इशारा फरमाता है अम्मा बिनेमत रब्बे का फादिस के बंदे जो अल्लाह ने तेरे ऊपर इनाम किया वो बयान कर। ऐसा सा अल्लाह का शुक्र है कि पैगंबर अकरम के अलावा मैं सब नबियों से सलवात पढ़ने वाला हूं। इल्म बांटा जब मैं सिवाय खत्मी मर्तबत के मैं सब नबियों से अफजल हूँ। अब आप को इस सिलसिले में दिलचस्पी और आप पढ़ना चाहें तो ये जो आप ये इंटरनेट वगैरह होते हैं उसमें शब हाय पेशावर का पेशावर नाइट्स नाम से तर्जमा इंग्लिश में मौजूद है। साथ साहिब सुहान के वो सवाल भी हैं और मौला अली के जवाब भी हैं। मैं इस वक्त सारे नहीं पेश कर रहे थे कि मुझे थोड़ा और आगे जाना है। कहा मौला आप ये फरमाएं आप हजरत इब्राहिम हजरत आदम हजरत नूह इनके सब सिलसिले हुए, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आप क्यों करफ़ल हैं? तो मैं ऐसा सा इब्राहिम अल्लाह के बड़े जलीलुल कदर पैगंबर हैं, वो कुल्लत के फायज़ थे, उनसे उन्हें अल्लाह ने इमामत से नवाजा। ऐसा सा मगर मुझे मालूम होना चाहिए हजरत इब्राहिम वो पैगंबर हैं जिन्होंने कहा ये मेरे बाबू तुझे बता तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, रब यारे नहीं कह पा तो इल्म होता मुझे बता मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा। तू मान नहीं लाया भाई मान रखता हूँ बता के लियत में ना कल भी एक दिल बेकरार है उसके करार के लिए चाहता हूँ कि उसको कुछ इत्मीनान नसीब हो जाए, पर इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ तो हुक्म हुक्म हुआ अरे इब्राहिम फिर हमें क्यों जहमत देते हो, खुद ही चार परिंदे पकड़ो उन्हें जिबा करो उनके गोश्त का कीमा बनाकर फहरा दो पहाड़ों के ऊपर, मिनकार वो चोंच जो होती है वो अपने पास रख लो, जिस जिस परिंदे को बुलाओगे वो आके अपनी चोंच लेके चल जाएगा, फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना मुर्दों को जिंदा कर लेते, फिर तो यकीन आ जाएगा कि मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूँ। बड़ी तवज्जो है आप रात की चुनाचे कुरान इरशाद फरमाता है हजरत इब्राहिम ने चार परिंदे लिए पकड़ा जिबा किए उनके सिरियां अपने पास रख ली बाकी पहाड़ों से फैला दिए, जिस जानवर की जिस परिंदे की सिरी पकड़ते चोंच से वो कीमे से अलग हो के गोश्त बन के परिंदा बन के बगैर सर का परिंदा आता इब्राहिम से अपना सर लेता और सलाम लेकर के चला जाता। अब तो इतनी नाम हो गया ऐसा सा ये है इतनी नामे कलबे इब्राहिम की कैफियत जो कुरान ने बयान की। और अली इसलिए अफजल है लौ कुशफल विदाओ मजदत तो यकीन आ अगर मेरे सामने से पर्दे हटा भी दिए जाए अली के यकीन में इजाफा ना हो।
आपने मेरे सामने से पर्दे हटा भी दिए जाए, करी के यकीन में इजाफा ना हो, बड़ी तवज्जो रहा, आप घबरा कर नहीं गए। आप हजरत मूसा से क्यों कर अफजल हैं? हजरत मूसा बड़े जली जुल कदर पैगंबर हैं, उन्हें शर्फे हम कलामी भी नसीब है, अल्लाह उनसे कलाम करता है। हजरत मूसा मगर ऐ शाह मैं मूसा से इसलिए अफजल हूँ, बदल रहे आप रात की, मैं इसलिए मूसा से अफजल हूँ। आप कुरान मजीद पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से कहा, मूसा जाओ जाके फिरौन को मेरा पैगाम पहुंचाओ। कहा बाबू जाता हूँ, मगर मैंने उनका एक बंदा मारा है, इन्नी अखाफु अन यक्तुलूने, मैं डरता हूँ मार न दे, तवज्जो, मैं डरता हूँ मुझे मार न दे, मैं डरता हूँ मुझे वो मार न दे। और फिर दूसरी सदर में इसी मौके पर इसी कुरान मजीद के सदर में आपको ये मिलेगा, मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज, वो मुझसे बातें अच्छी करता है, मैं डरता हूँ कहीं जो मेरी तकजीब ना करे। लफ्ज़-ए-अखाफ़ो दो मरतबा दो सतरों में दो मरतबा लफ्ज़-ए-अखाफ़ो आया, मैं डरता हूँ मार डालेंगे, मैं डरता हूँ मेरी तकजीब करेंगे, मैं डरता हूँ मुझे मार डालेंगे, मैं डरता हूँ वो मुझे नहीं मानेंगे, दो मरतबा अख़ाफ़ो आया। ऐसा सा अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरह बरात नाज़िल किया था, पैगंबर ने किसी को दे के भेजा, थोड़ी दूर वो जा चुका था, समझ आपका काम है तवज्जो रखेंगे, थोड़ी दूर वो जा चुका था, इब्राहीम अमीन आए और आ कहते हैं या रसूल अल्लाह, हुक्म परवरदिगार ये है, ला युबल्लिगुहा इल्ला अंता अव रजुलुन मिनका, या तू खुद पहुंचा या वो बंदा पहुंचाए जो तुझसे, सूरह तौबा, या खुद पहुंचा या वो बंदा पहुंचाए जो तुझसे हो। मैं गया और मैंने वो सूरह बरात उससे ले लिया, मैं खाना काबा की छत पे गया, जब मैं छत पे चढ़ा मैंने सामने जितना मजमा था उसमें देखा, मैंने जितने मजमे पे नजर दौड़ाई, किसी के बाप को मैंने मारा था, किसी के मामू को मारा था, किसी के खालू को मारा था, किसी के फूफा को मारा था, किसी के बहनोई को मारा था, किसी के भाई को मारा था। ये आप सवाल के सवालों में पढ़ लीजिए, मगर ये बात जो करने लगा ये वहां नहीं मिलेगी। मेरे मौला फरमाते हैं मैंने किसी के बाप को मारा, किसी के चचा को मारा, किसी के मामू को मारा, किसी के खालू और फूफा को मारा, जिसके किसी रिश्तेदार को नहीं मारा उनके खुदा को भी तो मैं मारा। जिस तरह पहुंचाने का हक है, लिहाजा इसलिए मैं मूसा से अफजल हूँ। आखिरी बात, आप मूसा से किस तरह अफजल हैं? फरमाया सरूनी सरूनी कमलान का कुलूनी, पूछ ले खबर इसके जरिए तुम्हारे दरमियान न रहे। आप ईसा से क्यों कर अफजल हैं? कहा ईसा अल्लाह के बड़े अजीम शान पैगंबर हैं, वो उन्हें अल्लाह ने शर्फ बख्शा, मासूमा माँ के बेटे हैं, बगैर बाप के दुनिया में मुतशरी उतार। वो ईसा अल्लाह के वो पैगंबर हैं, मगर ऐसा सा मैं इसलिए अफजल हूँ, ऐसा सा मैं इसलिए अफजल हूँ। ईसा की माँ अलग वो बैतुल मक़द्दस ही में रहा करती थी, जब ईसा की विलादत का वक्त आया तो जो मेन बिल्डिंग है उसकी तरफ बढ़ी, अंदर से आवाज आई, बीबी आज ही बैतुल इबादा, कहा बैतुल विलादा, ये लज्जा खाना नहीं है, ये मैगजीन की पार्ट नहीं है, ये इबादत गाह है। चुनाचे मरियम वापस बैठी और इस दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। सासा मैं इसलिए अफजल हूँ, मेरी माँ तवाफ कर रही थी बैतुल्लाह का, जब वो सजार के करीब पहुंची, वक्त विलादत करीब आया, फौरन दिल में ख्याल आया कि मरियम को तो हटा दिया गया था, कबल इसके कि मुझे कोई हटाए मैं खुद ही चली जाती हूँ। अजीजान गिरामी, ये अपने दिल में ख्याल आया था कि दीवारे काबा में शिकाफ आया और एक आवाज आई, आओ बीबी तू कोई मरियम है। जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, इल्म बांट रहे हैं, वो तो इल्म देना चाहते हैं और आले मोहब्बत अलैहिस्सलाम सीरत दे रहे हैं।
और इसलिए कि जब बाबे नबूवत हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, मुश्किल ये है, मुझे ये नहीं बताया गया कि कितना वक्त है। मैं बिल्कुल इस्तेदार से एक दो चीज़ें अर्ज करना मतलूब है, और मैं वो इसलिए कि मैं समझता हूँ एक सलवार पढ़ ले बंदा में पहुंच चुके हैं, लेकिन अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, ये शिया कौम को जदीद नहीं नहीं, ये कहाँ होते हैं क्या करते हैं। शिया दोनों लगने शाया हुआ ये नजर खसूस, शिया वो हैं वाली इतने अपने कार्य को खास मानते हैं, बाकी दुनिया आम मानती होगी शिया खास मानते, बाकी दुनिया आम मानती होगी शिया खास मानते हैं। ना नमाज अपनी तरफ से बनाते हैं, ना रोजे अपनी तरफ से, ना हज अपनी तरफ से। इमामिया इसलिए कहलाते हैं कि अली से लेकर माजी तक 12 इमाम रखते हैं, 12। और इमामिया इसलिए कहलाते हैं, जैसा इन्होंने मसला इमामत को समझा है ऐसा किसी ने समझा नहीं, और जैसे मेरे के इमाम हैं ऐसे किसी के इमाम। जैसे अभी आपने देखा यहाँ चीजें पढ़ रही थी, हजरत अब्बास अलमदार के, हजरत शहजादा अली अकबर के, हजरत उमर मोहम्मद की वो नज़्म कसीदा आपने पढ़ा, मगर आप पूरी दुनिया घूम जाए आपको कोई एक शिया ऐसा नजर हजरत अब्बास अलमदार के कलम बनाते हैं, हाजिरी होती है, न्याज होती है, शमी होती है, किसी तरह शहजादा अली अकबर न्याज मन्नत मजद सब होता है, कसीदे धोए न्याज सब होता है, मगर आपको कोई शिया ऐसा नजर नहीं आएगा जो हजरत अब्बास को इमाम कहता हो, अली अकबर को इमाम कहता हो, ओनो मोहम्मद को इमाम कहता हो, अमीर मुस्लिम को इमाम कहता हो। अब तो लोगों के जहन में आ जाना चाहिए, जो कौम मन्नतें न्याजें दे के अब्बास और अकबर जैसी हस्तियों को इमाम नहीं मानते, ये अहले गैरे को इमाम कैसे मानते। बस मेरे दोस्त, ना मालूम फिर किस्मत हो या ना हो, दो चीज़ें सुन लीजिए और उसके बाद बात आपकी तमाम मामला खत्म। तवज्जो है आप बता की ये हमारे दो इम्तियाजात हैं, एक अहले बैत अलैहिस्सलाम को इमाम मानते हैं, दूसरा है सारी दुनिया देख लीजिए अपने अपने कामों में अपने अपने मशाल में अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ है, मगर जहाँ पे सूर्य शुरू करता है जहाँ पे जाकर गुरूब होता है, आप जाके एक ही कौम देखेंगे जो सब मातम बिछा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना रहे हैं, फुरसा दे रहे हैं। अब लोगों को ये भी है कि ये रोते हैं, ये पीटते हैं, 14 सेंचुरियां गुजर गई, समझ रहे आप आपकी, आज तक लोगों ने फतवे दिए, लोगों ने सब कुछ हुआ, मगर आजादारी आपने देखा, हर साल यूं लगता है कि जिस तरह पिछले साल थी उससे कहीं बढ़ के साथ। मेरे साथ थोड़ा आगे वाला बात खत्म हो गई, मुझे तीन ज्यादा वक्त नहीं, एक सवाल पढ़ने में लगता हुआ निकालते हैं, यही है ना, ये सारी चीजें अगर कुरान से न पढ़ लो तो मैं मौलवी नहीं मानता। जो आपको वैसी रखनी होगी जिसे रोने पे इतराज है, वो कुरान मजीद के सातवें पारे की पहली आयत पढ़े, वैला समी माउन दिला इला रसूल तरा आयो ना हम कफीलो में दम में मिम्मा आरसु मिन अल हक। जब वो लोग अल्लाह की आयतें सुनते हैं तो देखता है उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है और हक पहचान पहचान के रो रहे हैं। कुरान ने बताया रोना हक पहचानने वालों की अलामत है। मेरे साथ ही जरा इसलिए कि फजाइल की बात खत्म हो गया, दलायल की बात है, मेरे साथ साथ आइएगा, रोना हक पहचानने वालों की अलामत है। लोग कहते हैं चलिए जी रो दीजिए, मगर ये वाह वाह रहना चाहिए, जिसे वाह वाह पे इतराज है वो छठे पारे की पहली आयत पढ़े, इरशाद है ला युहिब्बुल्लाहु जारा बिसूए मिनल कौल इल्ला मन जुलिम। खुदा जोर जोर के वाह वाह पसंद नहीं करता, कौले सूद का माना सही बुखारी में वाह वाह आया, ये कौले सूद बुलंद आवाज से अल्लाह पसंद नहीं करता, वाह वाह अल्लाह पसंद नहीं करता ऊंची आवाज से, हाय और वाय बुलंद आवाज से कहना अल्लाह नहीं पसंद करता, इल्ला मन जुलिम, हाँ जहाँ कोई मजलूम हो जाए वहां जहाँ कोई मजलूम हो जाए वहां इजाजत है। हाँ अब अगर कोई कहे हुसैन मजलूम ही नहीं तो मैं समझता हूँ उसको जवाब देने की जरूरत नहीं, उसका इलाज करवाने की जरूरत।
मजमून लगता है हाय पे, खासकर हुसैन के नाम के साथ हाय, बड़ी तवज्जो है आप सलात की, जिसे हाय पे एतराज है वो कुरान मजीद की सूरह यूसुफ पढ़े। तर्जमा आपके यहाँ मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का होगा, जहाँ आयत लिखी है ना या आसफा अला यूसुफ, अगर नीचे तर्जमे ने हाय यूसुफ ना लिखा हो तो मेरी गर्दन हाजिर है। तर्जमे ने हाय यूसुफ ना लिखा हो तो गर्दन हाजिर है। इसके माना ये हुए हाय कहना बिदत नहीं सुन्नत अंबिया, तवज्जो रहे, हाय कहना बिदत नहीं सुन्नत अंबिया है। लोग कहते चलिए कि हाय भी कह दीजिए, वाय भी कह दीजिए, रो भी दीजिए, मगर ये मालूम करना कहाँ लिखा है। सुनिए जिसे मातम पे एतराज है, 26वें पारे की आखिरी आयत, तवज्जो, जिसे मातम पे एतराज है 26वें पारे की आखिरी दो आयतें भी पढ़े, वहां आपको ये मिलेगा। हजरत इब्राहिम की बीवी को जब पता चला आने वाले आम मेहमान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं, और वही आगे इसलिए कि फरिश्तों से पर्दा नहीं होता, कुरान फरमाता है फसजत वजहा वकालत जुजुन की, बीबी ने अपना मुंह पीट लिया और कहा हाय मैमूरिया किस तरह हो गया बच्चा, मुंह पीट लिया। तफसीर जलालैन में पढ़िए ऐ लतमत अला वजहा, बीबी ने अपने मुंह के ऊपर तमाचे मारे, और मेरा वाले बोले इहतराम मजमा, बीबी का ये मातम तन्हाई में नहीं, अलैन में नहीं, छुप के नहीं, पोशीदगी में नहीं, एक नबी सामने बैठा है, चार फरिश्ते सामने बैठे हैं, ना तो नबी कहता है कुदरत है, ना फरिश्ते कहते हैं कुदरत है। मैं मौलवियों के जो नबियों से भी बढ़ गया, फरिश्तों से भी बढ़ गया। और याद रखिए सुन्नत की कई किस्में हैं, एक सुन्नत है कौली, नबी को काम करने का हुक्म दे, एक सुन्नत है फेली, नबी को काम करके दिखाए, एक है नबी के सामने कोई काम किया जाए नबी उससे मना ना करे, इसे कहते हैं सुन्नत है तकरीरी। मिल्लत इब्राहिम की कहलाते हो, मातम को इब्राहिम की सुन्नत है तकरीरी। सफा और मरवा की दौड़ किस मर्द का फेल है और हुज्जत भी है। आपको किस हकीम ने कहा कि जो हजरत हाजरा करे वो तो सुन्नत सलवार पढ़े। जो किसी मोमिन को जान बूझ के कत्ल करे उसकी सजा जहन्नम है, जो किसी मोमिन का कत्ल करे उसकी सजा जहन्नम है। आइए हजरत इब्राहिम के पास और उनसे कहिए इब्राहिम आप मोमिन ही नहीं, एक नबी को तल्ला हुए जमीन पेशानी के बाद लिखाए हुए हैं और छुरी हाथ में पकड़े हुए हैं, आप एक नबी को जिबा करने जा रहे हैं। याद नहीं आएगी रात मना में अन्य अजबाव का, मैं अपने जिबा कर रहा हूँ आ रही आप अपने फरमाता हूँ सफ़ेद तुम इन शाह मन सादरी बाबा जो हुक्म मिला वो कर, आप अपने नबी बेटे को जिबा करने जा रहे हैं। पहले तो हजरत इब्राहिम ये कहेंगे जाओ दफा हो जाओ मुझे मसले बताने वाले, मैं अल्लाह की खुशनुदी चाहता हूँ और वो उतनी देर तक मिल नहीं सकती जब तक ऐसी जंजीर जनी ना करूं। इसका माना ये हुआ जंजीर जनी भी फिर बिदत तो ना हुई, तवज्जो रहे, जंजीर जनी भी फिर बिदत तो ना रही, वो भी मिल्लत इब्राहिमी की रूह रही। और तवज्जो रहे आप रात की जहां जहां तक आवाज पहुंच गई है दावत और बाबे दाना सब के लिए करिए, जिसे जंजीर जनी पे एतराज है वो कुरान मजीद पढ़े और सूरह यूसुफ को पढ़े। सूरह यूसुफ यूसुफ के पर्दे में बिठाया गया और जुलैखा ने उन औरतों को बुला लिया, उनके सामने फ्रूट और छुरियां दे दी गई, सामने से चेंबर को उठाया गया, यूसुफ को बुलाया गया। कुरान पढ़ो आपके सामने फलम्मा रहलहु अकबरना वकता नायदीहुना वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशर इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। जब यूसुफ सामने से गुजरे छुरियां चल गई, उंगलियां कट कट के गिनती रही, कहने लगी उंगली अल्लाह के लिए है, ये इंसान नहीं ये बड़ा इज्जत वाला फरिश्ता है। मैं कहता हूँ शाह वली साहेब वो औरत
योजना 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 के लिए बड़े लड़के ताकि सब कुछ लग जाए योजना भी बोलने योजना। और मैं रसूल मार के हुकुम में शिया हर घोड़े को सलाम नहीं करता ना हर घोड़े को इतने इकराम और एहतराम के साथ ले के चलता है। और शायद ये भी बात दो और दो चार की तरह सच्ची है कि जिस तरह शिया हर घोड़े को सलाम नहीं करता मुल्ला हर घोड़े से नफरत भी नहीं करता। शिया सलाम कब करता है जब नाम आ जाता है, मुल्ला नफरत कब करता है जब नाम आ जाता है। बस उस बात को पता चल गई कि इसका सलाम नाम को है उसकी दूरी नाम से है, इसका सलाम नाम को है उसकी दूरी नाम से है। अब रहा नाम किस तरह आता है, आप कुरान मजीद पढ़े, ये पिछले से पिछला महीना जो गुजरा ज़ुलहज का कुर्बानी का मौका आया, आप गए भेड़ बकरियों वाले के पास कि हमें कुर्बानी के लिए दुम्बा चाहिए या बकरी बकरा चाहिए। तो जो बकरा या दुम्बा आपको पसंद आया आपने उसकी कीमत पूछी, उसने आसमान का कलम कीमत बताई, हमने ये किया वो किया, आपने कहा बाबा मजबूरी है कुर्बानी साथे आ गई, तुम ये कर ना जाए पैदा ना उठाओ जायज जायज बात करो। इधर आपने इस बात को तो देखो अगर कुर्बानी ना होती तो मैं तो इतने का भी ना देता, आप इतनी कीमत बता, यदि आप उसकी तौहीन करते रहे कभी तो बिलम समय वो उसकी तारीफ करता रहा, हमने इस तरह इसका फायदा है इसको ये बादाम चाहिए नहीं, जिस तरह उनका तरीकेकार होता है। आप अपने अंदाज से कहते रहे ये कुछ भी नहीं है इसमें 10 किलो भी कोई भी नहीं होगा, क्या सोच रहे हो क्या मांग रहे हो सोचो तो नहीं, आप तौहीन करते रहे वो फजीलत बयान करता रहा, मगर जैसे ही सौदा हो गया आपने पैसा दे दिया उसने रस्सी थमा दी आपको, अब आप उसके गले के पटे को भी बुरा नहीं कह सकते। कुरान फरमाता है पर बुद्ध ना जाल ना हालकुम मिन शायरिदा, ये अल्लाह की शायर हो गया, ये अल्लाह की निशानी हो गया। हमने पूछा क्यों उसके गले के पटे को बुरा नहीं कह सकते, क्यों उसकी तौहीन नहीं कह सकते, कहा इसलिए कि ये मेरे जबी की शबी बन गया है, अब ये मेरे जबी की शबी बन गया है अब इसकी इज्जत करो। मगर जो वादा था आपसे कि कुरान मजीद से अर्ज करेंगे, सुनिए कुरान मजीद से जिसका एतराज है कहते हैं घोड़ा घोड़ा दुर्जना घोड़ा घोड़ा जिसे घोड़े पे एतराज है। कुरान मजीद का 30वां पारा सूरह आदियात पहली आयत है ना लुत्फ की बात, जिसे रोना चाहिए हो 7वें पारे की पहली आयत, जिसे वावेला चाहिए हो 6वें पारे की पहली आयत, जिसे मातम चाहिए हो 26वें पारे की आखिरी आयत, जिसे हाय बाय चाहिए हो सूरह यूसुफ की आयत तो जुड़े आप हजरात की, और जिसे जुलजना का सबूत चाहिए हो सूरह आदियात की पहली आयत वल आदियात ज़बहन, कसम है मुझे घोड़ों की। मोमिनीन इकराम अगर मैं कहूँ मेरे मुझे इस लाउड स्पीकर की कसम है, आप लोग न कहेंगे वाह मौलाना ऐसा बुरा है जो लाउड स्पीकरों की कसम खाने लग गया, उसे कसम खाने के लिए कोई शायद मिली, मगर यहाँ तो अल्लाह का मामला है ऐ माबूद तुझे कसम खाने के लिए कोई शायद न मिली, अपने पैगंबरों की कसम खा, अपने फरिश्तों की कसम खा, अपने रसूलों की कसम खा, अपने सहीफों की कसम खा, सारे ही बंदों की कसम खा, तू अपनी आजाद की कसम खा, अपनी सिफात की कसम खा, तू कसम खाने लग गया पर आ दिया कसम है मुझे घोड़ों की, जब वो दौड़ते हैं उसकी कसम, जब हांफते हैं उसकी कसम, जब कांपते हैं, जब वो पांव झाड़ते हैं और उनके नीचे से चिंगारे निकलते हैं ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई। मैंने सादरुल्लाह मुद्दतेरी से पूछा ये घोड़े क्यों कसम खाई, कहते ये घोड़े इज्जत वाले थे। मैं हैरान हो गया कुछ घोड़े इज्जत वाले भी होते हैं, कुछ घोड़े इज्जत वाले भी होते हैं। अब हमने जो पूछा वो क्यों इज्जत वाले हो गए, कहा वो तो बदर में दौड़े उनके पांव से चिंगाड़े निकले तो हम पे अपना पसंद वो काम पे कांपना पसंद वो बढ़े बढ़ना पसंद वो रुके रुकना पसंद एक एक अदा अल्लाह ने उनकी पसंद की। मैं कहता हूँ जिस घोड़े इस्लाम फैलाने के लिए दौड़े उनकी अल्लाह कुरान में इज्जत करता है, जिसका घोड़ा इस्लाम बचाने के लिए दौड़े खा गया ये उसका खून आगू कुर्ता है, बाप ने कुर्ता देखा
उसे खोला और कहा बेटा ऐसा सियाणा गिर गया जूसफ को सारे खा गया, कुत्ते का एक तार भी नहीं टूटा। बल सबलत लकुम अनफुसुकुम फइनिया लकुम मिनल्लाहि माला तआलमु, ये सब तुमने खुद किया है और मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अजीजान ग्रामीण बड़ी तवज्जो है आप हजरात की, तफसीर मदारे तफसीर नफसी दसवीं को पढ़िए, उसी को याकूब ने रोना शुरू किया, उसी कुत्ते को लिया चूमा आंखों पे लगाया। अब जाइए जाके पूछिए याकूब जब ये झूठा है तुम्बे का है यूसुफ का नहीं, चूमते क्यों हो आंखों पे क्यों लगाते हो? कहा है यूसुफ का नहीं तुम्बे का है, मगर यूसुफ के खून की छवि बन गया है। इंतकाल हुआ सर मेरी गोद में था, मैंने मैंने औरतों के साथ मातम करना शुरू कर दिया। हजीज नामी कोई और मातम करे या ना करे हम पे बहुत हजीज से सकलैन अहल बैत का फेल हुज्जत है। अब अहल बैत का आइए और जिगरों को थाम दीजिए। तारीख कामिल और तबरी में लिखा है, तबकात में लिखा है, दीगर की तारीख की किताबों में लिखा है, लम्मा मर्रत निस्वत व बिल कतला, जब ज़ैनब आ गई ऊपर लाश हुसैन के, सह ना बलतमना कुदूदा होना, बीबी नोआ पड़ा और अपने रुखसारों पे मातम किया। आप नोए पढ़ते हैं, बीबी के नोए के दो शेर पढ़िए, या मोहम्मदा सल्ला रहेगा मलाइका तो सबा, नाना फरिश्ते तुझ पे दुरूद पढ़ते रहे, ये हुसैन है जो खाक और खून में गर्दान है, जिसकी जिसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिसके जन्नत से लिबास आते थे वे गोरों कफन पड़ा है, जिसका जन्नत से खाना आता था तीन दिन का भूखा और प्यासा मारा गया। रावी कहता है रातों को बुला रफीक न कोई दोस्त था न दुश्मन था, खून बोड़ बोड़ के रो रहे थे। अजीजान ग्रामी उमर बिन साद कहता है शिमर अगर ये मातम बाकी रहा फौज बिगड़ जाएगी, कुछ ऐसा इंतजाम कर ये मातम रुक जाए। मैं भी सैयद हूँ, कलेजा फटता है जिगर भूख आता है, शादी मातम तो रुक गया मगर नुकसान बड़ा हो गया, मातम तो रुक गया। कहता है इनके हाथ पर से गर्दन बांध दो, हाथ पर से गर्दन बांध गए। एक रिवायत और सुन लीजिए कितनी दयाल वाला लिखता है हाथ पर से गर्दन जब बांध चुके थे, अब जब ऊँट उठा जरा तरा साहब वक्त बिन महमद बीबी ने अपना सर पर आने शुक्र पे मारा, हक्का राय जब तुम मरियंदी ने कहा देख रहा है हमने देखा जैनब के सिर से निकल निकल के खून करबला की रेत पे गिर रहा है। उम्र के साथ कहते शिवर मातम तो खत्म हो गया मगर असो जनीर जनी शुरू हो गई। अभी जो जिन्हें थाम लीजिए कहते निकाल लीजिए ये पराने भी और फिर कजावा के उर्दू में ले चलिए। आप जानते हैं कितना नुकसान हुआ, अगर सुल्तान मिल्ला रिटायर्ड से शिद्दत उन्होंने किताब लिखी सीरत सईदा उसमें पढ़े, जब सैयद करबला से चले थे ये कैदी जब करबला से चले थे 48 औरतें थी और 64 बच्चे थे, 40 दिन सफर है करबला से कूफा, मगर जब कूफे पहुंचे सैयदों के सिर्फ 14 बच्चे रह गए, ये बाकी 50 बच्चे किधर गए? अजीबो 50 बच्चे अपनी माओ के पास होते थे, अपनी पुप्पियों के पास होते थे। आप सोच सकते हैं किसी माँ का बेटा गिर रहा हो और वो अपने बच्चे को न पकड़े, कोशिश तो बहुत करती मगर हाथ से गर्दन बंधे हुए थे अपने बच्चों को न पकड़ पाती, सिर्फ इतना कह रही जालिमों को गोरों को मेरा बच्चा गिर गया। अखबार मातम की दूसरी जिल्द में ये मिलता है, एक ऐसा मौका आया वो रेजा जिस पे इमाम हुसैन का सर था वो रेत में गिर गया, खोली और शिदत की कोशिश से नहीं चला। उम्र इब्न साद ने कहा क्या मजबूरी हो गई, कहा इमाम का रेजा जमीन में गिर गया। ये नहीं सिमर कहता है मुझे मालूम है किस तरह चलेगा, ये ताजियाना लेके बीमार की पूछ पे आया, बीमार की पूछ पे जुल्म किया, बीमार कहते हो कमीना क्या चाहता है, कहता है तेरे बाबा का रेजा जमीन में गिर गया आगे नहीं बढ़ता। अजीजो मेरे बीमार इमाम कहते हैं तू ठहर मैं पता करता हूँ, अपने जेवर संभालते हुए बाबा की शान तले आए। आप कहते हैं बाबा या तो सज्जाद को करबला में इतने लिहाज दिया होता अगर मेरी शहादत वहां मतलूब न थी तो अब तेरे को चलने की इजाजत तब देगा जब सज्जाद मर जाएगा। ये लाल मुझे ताजियाने मारते हैं, कहा बेटे सज्जाद मेरी शहादत के बाद इसको बचाने के लिए जरूरत है ज़ैनब और सकीना के खुद को भी, मेरा रेजा कैसे आगे जाए, मेरी बेटी सकीना ऊंट से गिर गई
आज के दिन शिमर थोड़ी देर ठहर जा, मैं अपनी बहन को ले आऊ, मैं भी सही है, तुम आपकी आवाज बुलंद हो गई, अल्लाह सुनाए मेरे अहले बैत के कोई ना देखे, ना माँ कोई ना देखे, सैयद सज्जाद है, क्या देखा, तेरा में सकीना एक ज़ईफ़ा की लोग में है, और ज़ईफ़ा के बालों में मिट्टी मिली हुई है, पुरका करने में परेशान है, कभी सकीना के रुखसार साफ कर दी है, कभी कहते हैं सकीना तेरे गोशवारे किसने छीने, कभी कहते हैं सकीना तेरे रुखसार लाल क्यों है, कभी कहते हैं सकीना तेरे अकबर को नेज़ा कैसे लगा, कभी कहते हैं सकीना तेरे छोटे भाई को तीर कैसे लगा, इतने में सज्जाद पहुंचे, कहते हैं माई तेरी मेहरबानी तूने मेरी बहन को बचा लिया, वरना हमारे 50 बच्चे गिर गिर के पामाल हो गए, जानवरों ने उनके घोड़े और ऊंट उड़ा दिए, वो वही शहीद हो गए, हमारी किस्मत तेरी मेहरबानी ये सकीना बच गई, आवाज आती है पहचाना नहीं सज्जाद तेरी उंगली दादी जहरा हूं, बाकी शहीद हो गए, ये सकीना मौजूदा है, ये बच गई, अजीज इमाम सज्जाद ने सकीना को लिया और सीधे बाबा की शान ले आया, आखिरी बात का बाबा हमारे पंजाब बच्चे गिरे, आपका नेजा नहीं रुका, ये सकीना आपकी अपनी बेटी है इसलिए नेजा रुक गया, आवाज नहीं हो बेटे सज्जाद, फर्क ये है वो भी बेगाने न थे मगर फर्क ये है वो मेरे खानदान के लड़के थे, जंगलों में दौड़ते रहे, आखिर घोड़ों की दांतों का निशाना बन गए, फौजियों ने उन्हें कुचल दिया, ये मेरी बेटी है, मैं जंगल में छोड़ के गया ले चला, अल्लाह 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 हमारी साथ